न्यूज दिल्ली। Now we are shifting our focus to the breaking developments that we are tracking from the stir by the farmers of the Bharatiya Kisan Parishad, where what we are learning is that the Noida police has detained 34 farmers late for attempting to hold a protest without the prior permission at the Rashtriya Dalit Prerna Sthal in Noida. The farmers en route from Zero Point were taken into custody by the Noida police and later were sent to jail. The farmers' demand for better compensation were long-standing with the previous protest of 10, often leading to the clashes with the security forces. Police have been deployed across the border areas of Noida and Greater Noida district. Heavy police deployment has been witnessed while also ensuring that proper security arrangements are done to ensure that no farmers or the large group or the gathering of farmers do in fact come for the protest. All right. Mahinder Mahi, my colleague, joins me live on the broadcast. Mahinder, good morning. Jo ye farmers ka protest hai is samay, jisme 34 farmers ko detain kiya gaya hai, iske baare mein bataiye ki ye kab ki ghatna hai, kya ye kal hui hai jab ticket bhi Noida police ke hirasat se bhaage the, क्या ये तब की घटना है या आज सुबह हुई है? क्योंकि आज सुबह जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको काफी बढ़ाया गया है, बैरिकेडिंग हो रखी है हर जगह से, डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर एरियाज पे इंश्योर किया गया है कि कोई भी एंट्री ऐसी ना हो जिसकी वजह से जो पीस और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो। Mahinder, if you can hear me. लुक देखिए, कल जिस तरीके से जो तमाम किसानों को शाम तक रिहा किया गया था, जो आंदोलन कर रहे थे, देर रात तकरीबन 12 से 2 बजे के बीच आसपास जो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 34 ऐसे किसान है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा था कि ये तमाम लगातार हम देख रहे थे किस तरीके से जो पुलिस है वो किसानों का कह रही थी कि आप जहाँ आपका जो घटना स्थल है, जो आपका धरना स्थल है, आप वहां से नहीं जा सकते। तो तुम तमाम किसान थे वो दलित प्रेरणा स्थल जाना चाहते थे, जिसके बाद पुलिस ने उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 34 किसान है जिनको गिरफ्तार किया है, क्योंकि आप देख रहे थे पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो हलचल थी काफी तेज हो गई थी। जो नोएडा के किसान थे बार बार मांगों को लेकर भी कुछ करना चाहते थे, और कल जिस तरीके से किसानों की रिहाई हुई थी उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, और लगातार ये देखा जा रहा है कि अब केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान, अलीगढ़ का किसान, मथुरा का किसान अब धीरे धीरे इस आंदोलन में कूद रहा है। और जो पुलिस है, तमाम जो किसान किसान संगठन के जो बड़े नेता है, उनको हौस अरेस्ट कर रही है, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरते। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर किया, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए किसी भी तरीके का कोई भी अराजक तत्व जब तक गौतम बुद्ध नगर में नहीं कर सकते और जो इस तरह के छींचक करता हो उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि नोएडा पुलिस अब चप्पे चप्पे में मुस्तैद है, चाहे चिंता बॉर्डर की बात करें, चाहे कलंगीपुर बॉर्डर की बात करें, या महामाया फ्लाईओवर की बात करें, जहां मैं मौजूद हूँ नोएडा महामाया फ्लाईओवर, और यहाँ भारी संख्या में देर रात से ही पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि कोई भी किसान दिल्ली की तरफ ना जाए या जो दलित प्रेरणा स्थल है वहां ना जा सके। और हम देख रहे हैं किस तरीके से पिछले 3 दिनों से पूरे जनपद में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है किसानों को लेकर, क्योंकि पहले किसानों को गिरफ्तार किया जाता है, फिर उनको रिहा किया जाता है, फिर उनको गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि अब मामला कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर का हो चुका है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी पूरे आंदोलन का संज्ञान लिया है, और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देखिए जो सही है उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, मगर जो समाज में अराजकता फैला रहे हैं उनको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे में जो पुलिस है वो भी बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रही है। कुछ पुलिस कमिश्नर सारी चीजों की मॉनिटरिंग कर रही है, डीसीपी, एडीसीपी, ज्वाइंट कमिश्नर जनपद के कोने कोने पर मौजूद है। तकरीबन 2500 से 3000 जो पुलिस कर्मी है वो पूरे सड़क पर मौजूद है, और वो एक एक गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। जो नोएडा के तीनों बॉर्डर है, चाहे कलंगीपुंज की बात करें, टीएटू की बात करें और चिंदा बॉर्डर की बात करें, तीनों बॉर्डर पे जो पुलिस है
वो देखे जा रहे हैं और हर एक बॉर्डर पे एसीपी को नियुक्त कर रखा है ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही ना बढ़ जाए। All right, Mahinder, thank you for adding these details and giving us the latest information.